नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी विवेक हिरवडेकर आज आपणासमोर हिंदी बोर्ड परीक्षेसाठी उपयोगी पूर्वपरीक्षा 2020 ची उत्तरपत्रिकेचा पार्ट 5 आपणासमोर सादर करत आहे। पैकीच्या पैकी मार्क मिळवून देण्यासाठी हा व्हिडिओ आपणास खूप मदत करेल। विभाग 5 उपयोजित लेखन अंक 26 प्र 5 अ 1 पत्रलेखन 5 अंक। निम्नलिखित जानकारी पर आधारित पत्रलेखन कीजिए। अरुणा पाठक महामंत्री न्यू आवास विकास समिति नेहरू पार्क नासिक से, स्वास्थ्य अधिकारी नगर नियम नासिक को आवास में पेयजल की समस्या संबंधी पत्र लिखती है। अथवा नयना भोसले वनदर्शन गुलमोर रोड कोल्हापुर से अपना छोटा भाई वसंत भोसले एकलव्य छात्रावास सातारा को पत्र लिखकर राज्य स्तरीय लेखन परीक्षा में प्रथम क्रमांक से उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में अभिनंदन करते हुए पत्र लिखती है। विभाग 5 उपयोजित लेखन अंक 26 5 मार्च 2020 प्रति स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नाशिक 411005 विषय पेयजल की समस्या संबंधी शिकायत करने हेतु। महोदय, हम न्यू आवास के निवासी हैं। इस पत्र के माध्यम से हम अपने क्षेत्र की पेयजल की समस्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पेयजल का भारी संकट है। दिन भर में केवल 1 घंटे के लिए नलों में पानी आता है और वह भी इतने कम दबाव के साथ कि पहली मंजिल पर भी पानी नहीं चढ़ पाता। हालत है कि दैनिक जरूरतों के लिए भी पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा है। आपसे अनुरोध है कि इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए पानी का दबाव तथा समयावधि बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दें। धन्यवाद सहित भवदीय अरुण पाठक महामंत्री न्यू आवास विकास समिति नेहरू पार्क नाशिक abc@gmail.com। 2 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर परिच्छेद में एक एक वाक्य में हो। कुल अंक 4। परिच्छेद ध्यान से पढ़िए। दो 5 प्रश्न। 1 मिसाइल जगत में किस महिला ने उत्कृष्टता प्राप्त की है। 2 मानव की गतिविधियों के क्षेत्र कौन से है। 3 महिलाओं के बारे में कौन सा कथन किया है। 4 सुश्रि टेसी थॉमस ने क्या किया। सुश्रि थॉमस किसकी पत्नी है। आपके समझने के लिए मैंने और सवाल बनाए हैं। सुश्रि थॉमस के पति का नाम क्या था। सुश्रि थॉमस जी ने कौन सा मिशन किया। एक वृत्तांत लेखन 5 अंक। ज्ञानदीप विद्यालय कोल्हापुर में मनाए गए बाल दिवस समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत में स्थल काल घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है। अथवा निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। कहानी के मुद्दे
ध्यान से पढ़िए। वृत्तांत लेखन, बाल दिवस का शानदार समारोह, कोल्हापुर शहर के ज्ञानदीप विद्यालय प्रांगण में 14 नवंबर 2019 को बड़े धूमधाम से बाल दिवस मनाया गया। विद्यालय के प्रवेश द्वार को फूलों से सजाया गया था। विद्यालय के सभागृह में प्रातः 8 बजे इस समारोह का आयोजन किया गया था। चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़ा सा चित्र मंच पर रखा गया था। चित्र को लाल गुलाब के फूलों का बड़ा हार पहनाया गया था। समारोह की अध्यक्षता शहर के महापौर श्री संग्राम देसाई ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया। अध्यक्ष जी ने बच्चों के प्रति नेहरू जी के प्यार से संबंधित कई घटनाएं सुनाई। इस अवसर पर कुछ बच्चों ने नेहरू जी के बारे में अपनी रचनाएं भी सुनाई। विद्यालय के कला मंडल ने नेहरू चित्रावली तथा रंगोली का विशेष आयोजन किया था। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री तानाजी कवड़े ने आमंत्रित लोगों के एवं अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रकट किया। राष्ट्रगान के साथ 11 बजे समारोह का समापन हुआ। विज्ञापन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। 5 अंक, आदर्श गणवेश भंडार, इचलकरंजी, सभी विद्यालयों के गणवेश, कम दाम, संपर्क पता, टिकाऊ कपड़ा, मजबूत सिलाई। विज्ञापन, आपके बच्चों के लिए स्मार्ट गणवेश चाहिए, आदर्श गणवेश भंडार को भेंट दीजिए। हमारी विशेष विशेषताएं, टिकाऊ कपड़ा, मजबूत सिलाई, कम दाम, सभी विद्यालयों के गणवेश, किसी भी छात्र का सटीक माप, अंत तक उज्जवल रहने वाला कपड़ा। संपर्क पता, आदर्श गणवेश भंडार, गांधी चौक, इचलकरंजी। संपर्क 9-6। समय सुबह 10 बजे से 9 बजे तक। ई, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। 7 अंक, मेरा प्रिय गायक, मोबाइल की आत्मकथा, यदि बारिश न होती। ई, मेरा प्रिय गायक, वैसे तो मुझे कई गायक व गायिकाओं के गीत सुनना पसंद है, लेकिन मेरी प्रिय गायिका स्वर कोकिला के नाम से विख्यात श्रीमती लता मंगेशकर जी हैं। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनका बचपन भले ही संघर्षों में गुजरा, लेकिन सफलता के शिखर तक पहुंचकर इनका जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन गया है। लता जी बचपन में बहुत शरारती करती थी। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर उन्हें जिम्मेदार बेटी मानते थे। वे चाहते थे कि लता जी गायिका बने। लता जी ने अपने पिता का स्वप्न को पूरा किया। लता जी ने जिस तरह से गाने का रियाज किया है, इस कारण ही भारत को विश्व की मशहूर गायिका मिल पाई है। भारतीय सिनेमा के 100 सालों में 70 साल उनके ही है। सिर्फ 13 वर्ष की आयु में बॉलीवुड में कदम रखने वाली लता जी आज एक जीवित किंवदंती है।
भारत रत्न से सम्मानित लता जी ने 20 से अधिक भाषाओं में लगभग 30,000 से अधिक गाने गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उनके गानों की मधुरता श्रोताओं को आज भी मंत्रमुग्ध कर देती है। उनके द्वारा गाया गया देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है। उनके लिए गाना पूजा के समान है, इसलिए वे रिकॉर्डिंग के समय कभी चप्पल नहीं पहनती। अपने 60 से अधिक गायन करियर में उन्होंने मोहम्मद रफी, मुकेश एवं किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ अनेक युगल गीत गाए। उन्होंने मधुबाला, मीना कुमारी, वैजंती माला से लेकर माधुरी दीक्षित, काजोल, करिश्मा कपूर तक लगभग हर दशक की नायिकाओं को अपनी आवाज दी। गायन की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली लता जी समय समय पर लगभग सभी पुरस्कारों से नवाजी गई हैं। आज भी लता जी लोगों के दिलों पर राज करती है। भले ही लता जी इतनी सफल और मशहूर सिंगर बन गई हो, लेकिन उन्होंने सादे व्यक्तित्व को नहीं छोड़ा। उन्हें स्वर साम्राज्ञी, राष्ट्र की आवाज, भारत कोकिला इस नाम से ही लोग पहचानते हैं। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है, इसलिए लता जी मेरी प्रिय गायिका हैं। आज न केवल मैं बल्कि संपूर्ण संगीत जगत उनका ऋणी है और सदैव रहेगा। हिंदी संगीत विश्व में लता दीदी के नाम से सभी उन्हें बुलाते हैं।